देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के। रामलीला संस्थान और अग्रवाल सभा द्वारा नगर कोसी कला में किए गए भव्य आयोजनों को लेकर कोसी कला की प्रमुख समाज सेवी एवं पत्रकार धर्मवीर अग्रवाल ने सभी कमेटी के पदाधिकारियों का भव्य तरीके से सम्मान किया। इस दौरान कार्यक्रम में नगर व क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में समाज सेवी और संभ्रांत लोग तथा राजनीतिक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधु शर्मा तथा महिला जिला अध्यक्ष मुदिता शर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पत्रकार धर्मवीर अग्रवाल ने वहां आए हुए आगंतुकों का स्वागत करते हुए रामलीला कमेटी के पदाधिकारी और कोसी कला अग्रवाल सभा के समस्त पदाधिकारियों को माला दुपट्टा व शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने 101 किलो की माला भी वहां आए हुए समस्त पदाधिकारियों को पहनाई। कार्यक्रम का स्वरूप देख सभी लोग गदगद हो गए। संचालन कर रहे इस कार्यक्रम के आयोजक धर्मवीर अग्रवाल ने एक अद्वितीय कार्यक्रम करते हुए सभी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया, जहां एक और कैबिनेट मंत्री के स्वागत नगर के प्रमुख समाज सेवियों ने किया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष एवं महिला जिला अध्यक्ष का स्वागत जिला उपाध्यक्ष ज्योति अग्रवाल ने शॉल उड़ाकर व बुके देकर किया। कोसी कला मथुरा से यूपी क्राइम न्यूज़ के लिए संवाददाता सुनील अनंत की रिपोर्ट। कोसी कला मथुरा से यूपी क्राइम न्यूज़ के लिए संवाददाता सुनील अनंत की रिपोर्ट। और ये परिवर्तन होगा, कितनी बड़ी बात है। चारों युगों में चार युग घूमते रहते हैं और चारों युगों में केवल एक कहावत, राम का राज आ रहा है। राम जैसा राम, ऐसे भगवान राम की रामलीला का सफल मंचन अल्प समय में जो हुआ, मैं उसमें अन्नू गुरु को भी बार बार बधाई देता हूं। रामलीला कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष और उनकी समस्त कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने लगता था जिस दिन हमारी घर पे बात हो रही, इस समय बहुत कम है। मैं कमल किशोर जी से कह रहा था कि हमारे यहां तो ये कहावत है, वाको बेरी कहा करे जाके आड़ी रात, एक रात में सारे काम किए जाते हैं। तो फिर रामलीला तो रग रग में हमारी सबके बसी हुई है, किसी से भी घराना शुरू कर दी। ऐसे सफल मंचन के लिए यहाँ के समस्त जनता जनार्दन को भी बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत दिनों के बाद महाराजा अग्रसेन की जयंती में मैंने बहुत दिनों के बाद इतनी जनता के दर्शन किए, इतना सफल आयोजन, बहुत दिनों के बाद